I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Hello guys, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे. नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम. तो गाइज, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं इस बार या अगली बार या उसके अगली बार में भी, कभी भी इन फ्यूचर. तो आप सब देखो, पहले तो यार जाके सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब हो नहीं रहा हो बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले जाके सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और शेयर करो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ. तो चलते हैं जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुझे डीएम में या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, उन सब क्वेश्चन का आज मैं आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में. तो बने रहो इस वीडियो में, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस. हमारा सबसे मोस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो है, भैया आपकी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है या फिर इंग्लिश है? तो गाइस मैं बता दूँ आपको, पहले आज से मतलब लाइक 2 साल पहले ये बाइलिंगुअल थी, बट नाउ इट्स फुल इंग्लिश. एग्जाम्स, पढ़ाई सब कुछ इंग्लिश में होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी इंग्लिश है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस कितनी है? तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो आपको बता दूँ हॉस्टल नंबर 1 जो है यूनिवर्सिटी कैंपस के वो अंदर है, बाकी जो हॉस्टल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 2.5 किलोमीटर दूर है. तो आप जनरली लाइक बस से या फिर बाई टैक्सी ट्रेवल कर सकते हो, तो नॉट सो फार. और जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लाइक बहुत सारे बच्चे डीएम करते हैं मुझे, इंडियन मेस अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि यू नो इंडियन खाना तो सब कुछ ही है भाई, यहाँ आ रहे हैं तो अब खुद से तो बनाना एक होता है. लाइक मैं खुद से कुकिंग करता हूँ, क्योंकि जब मैं आया था 2016 में तब इंडियन मेस नहीं था, अभी है. तो इंडियन मेस अवेलेबल है यहाँ पे, आप खाना ले सकते हो वहाँ से. उसका लाइक आई एम नॉट श्योर, लाइक 9000 है उसका, 2 टाइम का लंच और डिनर मिलेगा आपको. बट आप कुकिंग भी कर सकते हो, सेल्फ कुकिंग, क्योंकि किचन है यहाँ पे, सारे हॉस्टल्स में अवेलेबल होते हैं, तो आप आराम से कुकिंग कर सकते हो. गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मंथली एक्सपेंस. तो लाइक जनरली आप 8 to 10,000 में यहाँ पे नॉर्मल है, उतने खर्चे में आप निकाल सकते हो मंथ. बट लाइक मेरा जो खर्चा है, मैं अपना बताऊँ तो पर्सनली मेरा थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता हूँ, थोड़ा बहुत घूमता भी हूँ, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाता हूँ, नई नई जगह जाता हूँ, तो मेरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. बट आप 8 to 10,000 में आप निकाल सकते हो महीना. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्लाइमेट यहाँ पे. तो आपको बता दूँ यहाँ पे 7-8 महीना तो हार्डली आपको स्नो ही मिलेगा, ठंडी मिलेगी. अभी का टाइम देखो, अभी कितना चिल है. इस टाइम पे आपको अप्रोक्स मई के स्टार्टिंग से है ना, आपको थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट होगी और ये अगस्त के एंड तक रहेगी ये गर्मी. सितंबर में भी रहती है थोड़े दिनों तक. तो ये टाइम आपको बस गर्मी मिलेगी, वो भी उतनी गर्मी नहीं मिलेगी इंडिया की तरह, अपने इंडिया की तरह, बट थोड़ी बहुत गर्मी रहती है यहाँ पे. तो गाइज अभी का जो सबसे ज़्यादा मतलब पेरेंट्स मेनली ये क्वेश्चन पूछते हैं, या तो बच्चे को बोलते हैं ये क्वेश्चन पूछो आप, वॉर की वजह से क्या वहाँ पे सिचुएशन है हमारी यूनिवर्सिटी में या फिर रशिया में और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे क्या सिचुएशन है. तो गाइज बता दूँ, हम लोग की यूनिवर्सिटी ऐसे भी बहुत दूर है, लाइक जो बॉर्डर है जिधर यूक्रेन का, वहाँ से बहुत दूर है. तो यहाँ पे वॉर की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे दिक्कत हो सकती थी. तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने सुना है, ऐसा मुझे इन्फो मिला है, जो वहाँ पे ऑलरेडी ऑनलाइन कर दिया गया, बच्चे वहाँ से चले गए इंडिया, अभी उनके लिए कुछ दिन के लिए ऑनलाइन कर दिया. बट हमारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बहुत दूर है, तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, सिटी में सब कुछ नॉर्मल है. जिस टाइम पे वॉर हुआ था उस टाइम पे भी नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल है. गाइस तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पीसीबी में कितनी परसेंटेज चाहिए एडमिशन लेने के लिए, जो लाइक इस बार बहुत सारे बच्चे डीएम करते हैं जिनको एडमिशन लेना है इस बार. तो मेनली जो क्राइटेरिया है पीसीबी का, 50% आपको चाहिए फॉर जनरल, और ओबीसी वाले उनको 40% से अबव चाहिए. और ये मेनली इंडियन गवर्नमेंट का ने ये बनाया है, मतलब इतना परसेंट आपको चाहिए एडमिशन के लिए, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट का क्राइटेरिया रहता है वही मेनली इनका भी रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स वापस तो हमें वहीं जाके जॉब करना है, वहीं पर एग्जाम्स देने हैं सब कुछ, तो यही है. गाइज अभी जो क्वेश्चन होने वाला है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बट इसके अलावा भी अगर आप लोगों के दिल में और भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन डीएम मी और टेलीग्राम पे लिख सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो. ये जो क्वेश्चन अभी जो मैं लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसका आंसर वो है, एंट्रेंस एग्जाम है क्या भैया आपकी यूनिवर्सिटी में फॉर टेकिंग एडमिशन? तो ऑफकोर्स एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, वो आपको अभी तो लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड ऑनलाइन हुआ था, जो बच्चे भी एडमिशन ले रहे थे उनके लिए ऑनलाइन था. इस साल का अभी तक नहीं पता,
मे बी ऑनलाइन ही हो या फिर ऑफलाइन, जब बच्चे एडमिशन हो जाता है यहाँ पे आते तो उनके लिए ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो चलो गाइज, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। और हाँ, क्या सब्सक्राइब करो यार, बार बार कैसे बोलूँगा मैं, वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, लास्ट में बोला, सब्सक्राइब करो भाई, प्यार दो भाई को, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।